हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। कुक विद स्मृति में आज वाली है आपके साथ एक बढ़िया सी रेसिपी शेयर करने की। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भिंडी की एक बहुत ही नई और अलग तरह की रेसिपी। वैसे जो लोग बंगाल को बिलोंग करते हैं उस रेसिपी को जानते होंगे, वहां पे ये इसको भिंडी का भाजा कहते हैं, यानी कि एक तरह से भिंडी पकौड़ा। इसको आप साइड डिश की तरह भी सर्व कर सकते हो, टिफिन में या पूरी या पराठे के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों, भिंडी के पकौड़े बनाने के लिए आप जितना भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से भिंडी लें। मैंने यहाँ पे करीब 150 ग्राम ली हुई है। इनका आपको ये अपर साइड और बॉटम, मतलब दोनों एंड्स कट कर देने हैं, और उसके बाद में इनको कैसे काटना है मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, नाइफ को यूँ रखिए और एक चीरा लगाइए। यहाँ से नहीं कट करना है, यहाँ जुड़े रखना है। इस तरह से मैंने 4 लगाए हैं, आप 2 या 3 जितने में भी कंफर्टेबल हैं वो लगाइए, ताकि सारा मिक्सचर अंदर जा पाए और इस तरह से ये बन जाएगी। तो उससे क्या होगा कि ये अंदर फीकी नहीं लगेंगी। नॉर्मली आपने भिंडी पकौड़ा बनाते देखा होगा तो वो लोग कट नहीं लगाते और उससे भिंडी फीकी लगती है। दूसरी बात, अगर आप भिंडी को कट नहीं लगाएंगे तो अंदर से भिंडी खराब है या भिंडी में कई बार कीड़ा भी होता है वो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप कट जरूर लगा लें। इस तरह से मैंने यहाँ पे कट लगा लिए हैं 4, और इससे ना जब आप इनको फ्राई करते हैं तो शेप भी बहुत अच्छी आती है। तो ऐसे आपको अपनी सारी भिंडीज काट लेनी है, और काटने से पहले मैंने इनको अच्छे से पानी से धो लिया था और उसके बाद एक किचन टॉवल पे डाल के सुखा लिया है ताकि इनमें बिल्कुल पानी ना रहे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है, और उसके बाद ये चीरा लगा के मैंने काटा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस दोस्तों है कि हमें इसके लिए एक बैटर बनाना होगा। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून लिया हुआ है बेसन, और इसके बाद मैं 6 टेबल स्पून लूंगी चावल का आटा। तो दोस्तों, आपको चावल का आटा बेसन से दुगना लेना है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 टेबल स्पून जीरा, 1/4 टेबल स्पून हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हम हरी मिर्च भी डालने वाले हैं, और 1/8 टेबल स्पून हम लेंगे हल्दी बहुत ज़रा सी, नमक हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से, और 1/4 ही करीब हम लेंगे खाने वाला सोडा। इसको ज़्यादा नहीं डालना है, सोडा को ध्यान रखिएगा, थोड़ा कम चलेगा पर ज़्यादा नहीं। 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर। 2 यहाँ पे मैंने कटी हुई बारीक कटी हरी मिर्च ली है, और 2 टेबल स्पून हम इसमें करीब लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ मैंने रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ किया है, आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इन सबको अच्छे से मिलाना है, एक स्मूथ बैटर आपको तैयार करना है। बैटर आप थोड़ा सा पहले बना दें, इनफैक्ट भिंडी घोलने से पहले बना दीजिए, ताकि आपका जो चावल का आटा और बेसन है वो अच्छे तरीके से फूल जाएं। जितने अच्छे से फूल जाएंगे उतना ही अच्छा आपको स्वाद आएगा और पकौड़े अच्छे बनेंगे। चावल के आटे से न सिर्फ अच्छा स्वाद आता है बल्कि क्रिस्प भी बनते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिलाएंगे। ध्यान रखिए एक टाइम पे ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि हमें थिक बैटर बनाना है। और अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो ये काम हाथ से भी कर सकते हैं या आपके पास बीटर है उससे कर सकते हैं, पर अच्छे से फेंट लें, कोई गुठलियाँ ना बचें और पूरी तरीके से दोनों आटे अच्छे से फूल जाएं। तो अब हम इस बैटर को एक साइड पर रख देंगे। और दोस्तों, ये जो हमने भिंडियाँ ली हुई हैं इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा नमक इस तरह से डाल दें और अच्छे से मिला दें ताकि भिंडियों में अंदर तक नमक लग जाए। तो भिंडी पकौड़ा फ्राई करने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म होने रख देंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं ले सकते हैं। तो दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है, और मैंने आपको अपनी किचन टिप्स में बताया था कि कुछ भी फ्राई करें तो उससे पहले एक चुटकी नमक गर्म तेल में डाल दें, इससे चीज़ें तेल कम सोखती हैं। मेरी किचन टिप्स के वीडियोज़ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको ये पकौड़े बनाने हैं। ये हमारा बैटर फूल के रेडी है, ये हमारी भिंडी है जिन पे हमने हल्का सा नमक डाल लिया है। अब आप थोड़ा सा भिंडी को ऐसे फैल जाने दें और इसमें अच्छे से डुबोएं। ज़्यादातर लोग पकौड़े सिर्फ बेसन में ही इसको बनाते हैं। आप अगर ये दुगना चावल का आटा लेके बनाएंगे तो ये बहुत क्रिस्प बनेंगे, और खाली बेसन के पकौड़ों से नॉर्मल पकौड़ों की तरह ही लगेंगे, तो ये बिल्कुल अलग स्वाद देंगे। देखिए, इस काटने में मैंने आपने कहा था कि इस तरह से काटेंगे तो बहुत अच्छी डिज़ाइन आएगी, तो ये एक फैन के जैसे बहुत सुंदर रेडी होते हैं, तो इसलिए हमें इनको इस डिज़ाइन में बनाना है। अब आप अपना ये पकौड़ा गरम तेल में डालिए। तो आपको मैं एक और पकौड़ा लेके दिखा देती हूँ कि आपको कैसे बनाना है। तो ये रही हमारी भिंडी, इस तरह डुबोइए अच्छे से। याद रखिए कि अच्छे से अंदर भी लग जाए, अंदर फीकी नहीं रहे, अच्छे से ऐसे करिए कि अंदर जाए। देखिए, मैंने इसे खोल के ऐसे डुबोया है तो अंदर भी मसाला गया है। अब आपने क्या करना है, आपने जो ढेर सारा बेसन है ना इसको इस तरह थोड़ा सा झाड़ देना है ताकि टू मच बेसन ना हो लेकिन अंदर बेसन जरूर जाए। तो अब भिंडी रेडी है, इसको गरम तेल में डालें। तो दोस्तों, तेल गरम हो चुका है, पकौड़े हमारे रेडी हैं, और हम इसको गरम तेल में यूँ छोड़ देंगे। तो इस तरह हम गरम तेल में सभी पकौड़े डाल देंगे एक बार में, जितने भी आ जाएं, और आप इनको चम्मच की हेल्प से धीरे धीरे संभाल के
पलट दें। इस तरह भिंडी में चीरा लगाने से एक बहुत ही अच्छे फैन जैसी शेप में ये बन जाएंगे, तो ये सर्व करते वक्त भी अच्छे लगेंगे। थोड़ा थोड़ा गरम तेल सबके ऊपर डाल दें ताकि आपको पलटते वक्त आसानी रहे। शुरू में गैस तेज रखिए ताकि तेल ठंडा ना हो जाए। जब पकौड़े थोड़े से सिक जाएं आप गैस को मीडियम कर दें और पूरे टाइम गैस को मीडियम टू लो रखें ताकि पकौड़े और भिंडी अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि कच्ची भिंडी है। तो हम सभी पकौड़े पलट देंगे एक बार और इनको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमको सेक लेना है। 2-3 मिनट मीडियम गैस पर फ्राई करने के बाद आप देखेंगे पकौड़े हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। सेकते वक्त खास ध्यान रखिए कि गैस को तेज नहीं रखना है। और अब आप एक एक करके पकौड़े को टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सोख लेगा पेपर, और उसके बाद हम डालेंगे अपना मसाला। तो दोस्तों हमारा भिंडी पकौड़ा बिल्कुल रेडी हो गया है, और आप इसको सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा आप काला नमक डालिए, इसको बहुत अच्छा टेस्ट देगा। बहुत कम डालिए क्योंकि अंदर भी है, और इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर चाट मसाला, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और हर एक पकौड़े के ऊपर थोड़ा सा आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें इस तरह से। और अब इसके बाद आप इसको टमाटो केचप के साथ ही ग्रीन चटनी जिसके भी साथ चाहे आप सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।